नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसआई काउंसलिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है और इस समय सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि आपके लिए कौन कौन सी किताब अच्छी रहेंगी जिन्हें पढ़कर आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे। ठीक है, जैसा आपको बेसिक पता होगा, इस बार एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है और पैटर्न चेंज करने में जो पहले 25 सवाल आते थे हर विषय के, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, पहले 25 सवाल आते थे, इस बार सभी के 20-20 सवाल आएंगे और एक सवाल जो होगा वो आपका 2 नंबर का होगा। तो मेरे वीर, मैं आपको आज वही बात समझाने जा रहा हूँ कि सबसे पहले आपने किन बुक से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे और जरा अच्छे से समझ लेंगे। ध्यान देंगे, सबसे पहले लिखा मैंने मैथ्स। ठीक है, तो सबसे पहले 20 सवाल कवर करने के लिए आपको फोकस करना है मैथ की 2 किताबों पर और 2 में से आप कोई भी बुक ले सकते हैं, उस किताब के अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सबसे पहले आर एस अग्रवाल, दूसरी किताब है एसडीआर। एसएससी जीडी के लिए ये 2 किताब मोर देन एनफ होती हैं, आरएस अग्रवाल और दूसरी किताब मैंने बताई आपको एसडीआर। इन किताबों से आप अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे और प्रैक्टिस के लिए लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये आपकी करनी है प्रैक्टिस, जो लास्ट के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको प्रैक्टिस में लाने हैं। लास्ट के क्वेश्चन किताब के नाम बताए 2, आरएस अग्रवाल या एसडी यादव, इन 2 किताब के अलावा आपको तीसरी किताब छूने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात करते हैं दूसरी की बात, तो रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग की मैं आपको 2 किताब बता रहा हूँ, 2 में 3 लिख लेना, जोन से आपके पास हो उसी से पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ना क्या है, सबसे पहले आर के झा, जो हर कंपटीशन करने वाले बच्चे के पास होती है, आर के झा नया वाला एडिशन जो है, आर के झा की नया वाला एडिशन जो है बहुत अच्छी किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा इन्हीं हरिहंत प्रकाशन की आती है मास्टर रीजनिंग, आप इसको पढ़ सकते हैं। और एक अच्छी किताब आई है केपी सिंह के नाम से, उसका प्रकाशन मुझे नहीं पता, पर केपी सिंह की किताब आई है, अच्छी किताब है, आप उसे कर लेना, शायद एस चंद की है, केपी सिंह। आप इन 3 किताब में से कोई सी एक किताब चुन सकते हैं अपनी रीजनिंग की तैयारी के लिए, तैयारी इनसे करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे लास्ट ईयर क्वेश्चन। ठीक है, बात करेंगे जीएस के। ठीक है, जीएस के लिए केवल आपके पास 2 ही किताब होनी चाहिए, लूसेंट पढ़ेंगे आप थ्योरी के लिए, थ्योरी जो पढ़ेंगे वो लूसेंट से पढ़ेंगे और क्वेश्चन जो लगाएंगे घटना चक्र किसका, एसएससी का, ये दोनों ही किताब आपके लिए मस्त है। लूसेंट की थ्योरी, एसएससी का घटना चक्र, उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात करेंगे हिंदी की, तो हिंदी की बहुत सारे प्रकाशन की किताब आपको बताई जाती है, पर जो किताब आपके पास है सबसे अच्छी किताब इसमें आप पढ़ सकते हैं लूसेंट पब्लिकेशन। यहां से आप पढ़ने के बाद तैयारी करने के लिए लास्ट ईयर पेपर में प्रैक्टिस सेट में अपने क्वेश्चन लगाएंगे, सारे जहां से भी आपको हिंदी के क्वेश्चन मिले आप अपने क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि एसएससी आपका केवल जीडी में ही हिंदी पूछता है, वहां के से आप लगातार क्वेश्चन करोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे वीर, और एक बात और याद रखना भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी किताबों का ढेर ना होते हुए यदि आपके पास चुनिंदा किताबें हैं और आप उनको लगातार पढ़ रहे हो तो आपकी तैयारी रोकने वाला कोई सिलेक्शन रोकने वाला कोई भी नहीं है। ध्यान से एक बात समझेंगे, एक बात कही जाती है कि आप, ब्रूस ली ने कहा था कि मुझे उससे डर नहीं लगता जिसे 10,000 किक आती है, मुझे उससे डर लगता है जिसने 1 किक को 10,000 बार मारा हो,
कहने का मतलब क्या है, जिसने लगातार प्रयत्न किया है एक ही बात पर बार 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 प्रयत्न किया है, तो सेम कंडीशन आपके सामने है। आपको किताबों का बहुत सारा ढेर इकट्ठा नहीं करना, आपको दो किताबें मैथ्स की बताएंगे, आर एस अग्रवाल ले लेंगे या एस डी आर ले लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, रीजनिंग की किताब के लिए तीन किताब बताइए, इन तीन किताब में से कोई सी भी एक किताब आप चूज कर सकते हो, दो किताब होगी एक मैथ्स की एक रीजनिंग की। उसके बाद जीएस की दो किताबें बताइए, दोनों होने जरूरी है क्वेश्चन थ्योरी के लिए और घटनाचक्र एसएससी का क्वेश्चन लगाने के लिए। बात करेंगे हिंदी की, तो हिंदी की किताब आप क्वेश्चन पब्लिकेशन से पढ़ के और लास्ट करके क्वेश्चन लगा सकते हैं। इस तरह से यदि आप तैयारी करोगे तो 100% सिलेक्शन पा जाओगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।